वहीं राहुल गांधी के मामले को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी क्या कह रही है। देखिएगा, ऐसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यौन उत्पीड़न की बात मालूम पड़ती है और वो पुलिस को जानकारी नहीं देते, बहुत बड़ा पाप है ये। उनको आगे बढ़कर ऐसे गुनाहगारों को कट करके पीछे पहुंचाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि उनके भारतीय जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा नहीं है, या बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने पर भरोसा नहीं है। और ये एक ही घटना नहीं है, मुझे ध्यान है जब वो कश्मीर गए थे वहां पर उन्होंने कहा था कि मेरे को आतंकवादी मिले थे, मैंने आतंकवादियों ने मेरे से हाथ मिलाया था, आंखों में आंखें डाल के मैंने बात की थी। आखिर उसकी जानकारी भी पुलिस को क्यों नहीं दी? आखिर देश के अंदर जो भी असामाजिक तत्व है किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, न्यायपालिका को देनी चाहिए और देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए सब जरूरी है। लेकिन उनका इस चीज में कोई विश्वास नहीं है, वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, बहन बेटी की इज्जत लूटना रुके, आतंकवादी कटघरे के पीछे हो, क्योंकि उनका साथ आतंकवादियों से रहा है। आतंकवादियों को आपने देखा होगा जब इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री हाउस में आके वो बिरयानी खाने का काम किया करते थे। असामाजिक तत्व इनसे हमेशा जुड़े रहे, इसलिए पुलिस जो कार्रवाई कर रही है और उनको सहयोग करना चाहिए और उन गुनाहगारों को कटघरे के पीछे पहुंचाना। तो सुना आपने बीजेपी का इस मामले को लेकर कहना कि पुलिस जांच कर रही है, राहुल गांधी को इस मामले को लेकर सहयोग करने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।